What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. तो right now it's देखना पड़ेगा time, मेरे को time याद नहीं है. So अभी time हो रहा है 5:27 और मैं जा रहा हूँ नीचे bike के पास. उसका reason है कि मैंने bike में से निकाल दिया था mud guard and brake grill, तो दोनों लगाने हैं अभी. ये मैंने उसको already ready करके रख दिया है. एंड मैं अभी शूट कर रहा हूँ GoPro से, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे नीचे जाना है तो नीचे मैं फ़ोन से शूट नहीं कर पाऊँगा. और आईफोन को रख दिया मैंने चार्ज में क्योंकि सुबह से यूज़ कर रहा था एंड बैक टू बैक मूवीज़ और वो सब देख रहा था, तो चार्ज में लगा दिया उसको. बाकी अभी अपने को निकलना है, नीचे जाना है, इसको लगाना है एंड इसके बाद का क्या प्लान रहता है मैं आप लोगों को बताता हूँ. बट मोस्ट प्रोबेबली रात का कुछ प्लान बनाऊँगा क्योंकि बहुत दिन से नहीं गया. अगर आज नहीं बनाऊंगा तो चलेगा क्योंकि कल सुबह जाना है मुझे राइड पे. कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ सब कुछ बताऊंगा. बट सबसे पहले अभी अपने निकलते हैं, नीचे जाते हैं बाइक में, ये दोनों लगाते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा रहता है क्योंकि बहुत दिनों से नहीं लगाया मैंने, तो उसमें भूल गया हूँ कि लगाना कैसे है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो नीचे चलते हैं जल्दी से एंड लगाते हैं इन दोनों को. सो फाइनली गाइस, मौसम अभी बहुत बढ़िया हो रहा है एंड अपनी बगीरा इज़ ओवर हियर. काफ़ी दिनों से चला ही नहीं है तो चेन में थोड़ा सा रस्ट आ गया, बट उसको भी अपने क्लीन क्लीन कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा. इसको थोड़ा साफ़ भी करना पड़ेगा, वो साफ़ भी कर देंगे, वॉश करना तो वॉश भी करवा देंगे. बाकी इसको लगाना है, उसको लगाना है, तो बाइक में से निकालनी है अपने को टूल किट, तो टूल किट निकालता हूँ एंड पूरा असेंबल करना तो असेंबल करते हैं. सो फाइनली गाइज, आप लोग मेरी हालत देख ही सकते हो कि पिछले कुछ टाइम से मैं क्या कर रहा था. अपने बाइक के सारे स्पेयर पार्ट सारे फिट कर दिए वापस जैसे थे वैसे ही. इसमें एक दो चीज़ें और है बट वो हो जाएगी. पीछे की नंबर प्लेट मेन लगा दी है, आगे में नंबर प्लेट नहीं है तो चल जाएगा अभी थोड़े टाइम के लिए. बट यस, आगे के हैंड गार्ड्स लगा दिए है, विंडशील्ड आगे, सो दिस इज़ द बेस्ट रेडी टू गो. एंड बस इसको वॉश करवाना बाकी है, चेन ल्यूब करवाना बाकी है, तो वो दोनों भी मैं करवाने के लिए जा रहा हूँ. सो यस, बने रहिए व्लॉग में. बाकी इसको करना है, इसको रखना है एंड बाकी एक दो चीज़ और करनी है, तो चलता हूँ ऊपर एंड डायरेक्टली मिलता हूँ आप लोगों को मोटर लॉगिंग सेटअप में. सो फाइनली गाइज, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्विचिंग वॉज दिस मशीन आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम एंड फाइनली इसको ऑन करते हैं. तो वाओ, इट्स ग्रेट गाइज, सच में इतने दिन बाद ही मैंने चालू किया तो पहले झटके में स्टार्ट हो गया. एंड ये वाइडिंग प्रोटेक्टर में स्टिकर निकाल देना है
फेस को पहले निकाल देते हैं। यदि वॉश करवाना जाएंगे तो वहाँ पर निकल जाएगा। इसका नहीं लगाने का रीज़न ये है कि मेरे को मेरी बाइक जो है क्लीन पसंद है एंड मैं किसी भी कोई भी स्टिकर रखता नहीं हूँ। मैंने अपनी सोसाइटी का स्टिकर भी मैंने क्या बोलते मजबूरी में लगाया, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे कूलिंग सबसे कम है तो पहले चलते हैं कूलिंग डलवाते हैं एंड चलते हैं पहले यहाँ से डलवाते हैं इसमें कूलिंग। GoPro का थोड़ा सा एंगल सही कर देते हैं। यस चलिए निकलते हैं। सो फाइनली गाइज निकल चुके हैं घर से और मेरे को हो चुका है जुकाम भाई साहब बारिश की वजह से। बट कोई बात नहीं, अभी अपने सबसे पहले चलेंगे फ्यूलिंग करवाएंगे और उसके बाद मेरे को जाना है इसके लिए PUC करवाने के लिए, तो PUC भी करवा देंगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ आज के दिन में ही हो जाएगा। बाइक वॉश करवाओ नहीं करवाओ उसके बीच में कन्फ्यूजन है, बट करवाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे चेन क्लीन चेन ल्यूब करना है। तो चेन पहले अच्छे से धुलवा दूंगा एंड उसके बाद मैं करवा दूंगा चेन ल्यूब, क्लीनर से क्लीन करूंगा फिर और ल्यूब कर दूंगा। वो रात को मुझे लेने जाना पड़ेगा हर्ष के पास क्योंकि वो हर्ष के पास पड़ा है। मेरे वाला जो लिक्विड मोली था वो ख़त्म हो चुका है। और तो और मैंने KTM में भी फ़ोन करके मितुल भाई से बात किया था तो उनका क्लोजिंग टाइम हो चुका था, तो मैंने बोला कि भाई मेरे लिए फिर अब रुको मत, आप कर दो क्लोज़, अपने नेक्स्ट टाइम आके मैं करवा लूँगा। बस उन्होंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। और तो और अभी अपने भी चलेंगे एंड डलवाते हैं इसमें फ्यूल एंड करवाते हैं PUC। तो यस फाइनली फ्यूल डलाने के लिए आ चुके हैं एंड 96.42 रेट है। डन 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 डालो डालो। तो फाइनली अभी का सीन ये है कि पेट्रोल डलवा दिया है एंड अभी टोटल पेट्रोल आया है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ 302 किलोमीटर बाइक चली है और फ्यूल गया है इन टोटल 302 किलोमीटर में। बारह पॉइंट 34 लीटर पेट्रोल गया है तो लेट्स सी कितना जाता है 12.34 में। ओके मतलब 25 की एवरेज मिली है मेरे को इन सिटी और वो भी बहुत छोटे छोटे किलोमीटर में, जिसको कर देता कि जीरो यहाँ पे एंड तो वो भी कर देते हैं जीरो। यस जैसे ये BJP बोलो PUC होगा तो उसके बाद मैं इसकी PUC करवाऊँगा। PUC भी इसकी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है इट्स बीन अ वाइल और मैं नहीं चाहता कि भाई साहब अपने कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए रोड ट्रिप पे। और ये थोड़ी सी हिल रही है, मुझे वो टाइट करवाना पड़ेगा नट्स, तो वो मेरे से हादसे तो होंगे नहीं, मुझे क्या बोलते हैं वो पाने से ही करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो होंगे नहीं, वो करवाने ही पड़ेंगे मुझे मैकेनिक के पास, तो जो मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा नज़दीक में यहाँ पे जाके इसको करवाना पड़ेगा। तो अंदर चल रहा है PUC का प्रोसेस, गाड़ी मुझे रखना से डिरेक्ट कर लेगा और उसके बाद जाएंगे इसको थोड़ा वॉश वॉश और बाकी सारी चीज़ें करवाने के लिए। मोबाइल नंबर। तो लेमिनेट भी मैं साथ में करवा ही रहा हूँ क्योंकि अपने को लॉन्ग टाइम के लिए दिक्कत नहीं आएगी। क्या तो ये सपना PUC भी हो चुका है तो अभी अपने को एक साल भर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी एंड यस अभी एक बार यहाँ पर पूछ लो तो अगर इनका कोई मैकेनिक अवेलेबल होगा कि नहीं, अगर होगा तो लेट्स सी। यहाँ पे वो स्क्रू टाइप करवा लेता हूँ। भैया आपका कोई मैकेनिक होगा क्या यहाँ पे? सामने है। कहाँ पे? अच्छा क्रॉस करके सामने की तरफ है तो ग्रेटर की क्रॉस करके सामने की तरफ है। तो चलते हैं वहाँ पे, फ्यूल भी हो चुका है
सब कुछ हो चुका है, तो चलते हैं वहाँ पे करवाते हैं इसमें स्क्रू कर सकते हैं। भैया आपके पास 8 नंबर का टीप आना होगा, तो इनके पास हो गया तो भाई साहब बहुत ही अच्छा हो जाएगा अपना। छोटा वाला नहीं है, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखो नहीं आपके साथ टाइट हो जाएगा। 8 नंबर का ही है। मुझे पास है और कुछ भी हो जाएगा। बहुत ही थोड़ा हाँ भाई यूट्यूबर हूँ, दिशांत वडेरा अंकल के पास हो गया तो उसमें काम हो जाएगा। साझा से भी अंकल को और कुछ भी देखे जाएंगे। हो गया हाँ, थैंक यू भाई। क्या देने का भाई? लो काका, काका लो लो लो। ओ मना करे तू ले ले। अरे देखो भैया अभी भी इंसानियत है लोगों में, देखो कुछ कुछ चीज़ें फ्री में भी करके देते हैं अभी लोग। और अभी करना रहेगा अपनी को यहाँ से एवरीथिंग भी स्टार्ट उसको करवाने के लिए अभी वॉश, एंड उसके बाद इसमें जाना है इसको चेंज क्लीन चेंज बुक करवाने के लिए। सो फाइनली गाइज अभी अपने को चलना है एंड करना है इसको बाइक वॉश। तो बाइक वॉश के लिए मैं आज कोई नया ढूंढूंगा जिसके पास मैं रेगुलर बेसिस पर, और ये देखो रॉन्ग साइड में आना यार, क्या बात है यार, और इसको भी आना है, सब लोगों को एक साथ ही आ जाना है, बट कोई बात नहीं। तो आज मैं एक नया बाइक वॉश वाला ढूंढूंगा एंड करवाते इसमें बाइक वॉश एंड फिर करेंगे इसका चेन क्लीन और चेन ल्यूब। डबल चेन नहीं आता भाई इसमें, कोई बात नहीं है। तो यस फाइनली इसको करवाते हैं वॉश भी, बहुत टाइम से वॉश नहीं हुई थी। बाइक इज ऑल सेट टू रोल। चलो थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो अपना हो गया काम एंड अभी निकलेंगे अपने घर के लिए। सो यस गाइज, सो दैट्स इट फॉर दी टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लव द टुडेज वीडियो। बाकी आज का व्लॉग कैसा भी रहा प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन। बाकी आप सभी लोगों को मिलूंगा मैं कैसे ही किसी नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ। See everyone in the next vlog, signing off Dishant, and कल का vlog आपको देखने में बड़ा मजा आने वाला है, तो stay tuned for that.